वज़ीर-ए-आज़म को आटा चीनी बहरान पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार। वफाकी काबीना इजलास में इंक्वायरी रिपोर्ट्स को लेकर गर्मा गर्म बहस हो गई। इमरान खान ने काबीना को हालिया उखाड़ पिछाड़ पर एतमाद में लेते हुए कहा, मेरी हिदायत पर रिपोर्ट्स जारी हुई, आवाम से रिपोर्ट्स पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट आने पर मजीद एक्शन होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना में हालिया उखाड़ पिछाड़ और आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट्स पर तफसीलन बहस हुई। इमरान खान ने हालिया इकदामात पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा, मेरी हिदायत पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई, आवाम से रिपोर्ट्स पब्लिक करने का वादा पूरा कर दिया। 25 अप्रैल को कमीशन की रिपोर्ट आने पर मजीद एक्शन होगा। जो भी मुलव्वस हुआ कानून के तहत कार्रवाई होगी। दूसरी जानब वफाकी काबीना को टाइगर फोर्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश कर दी गई। मुआवने खुसूसी उस्मान डार ने काबीना अरकान को ताज़ा आदादो शुमार पर ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया और फोर्स को सूबाई सतह पर फौरी मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। टाइगर फोर्स की लाइव अपडेट को COVID-19 की सरकारी वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया गया है। उस्मान डार ने कहा कि टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड नौजवानों की तादाद 8 लाख के करीब पहुंच गई है। रजिस्टर्ड नौजवानों में सबसे ज्यादा तादाद तलबा और सोशल वर्कर्स की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान मुश्किल वक्त में कौमी जज्बे का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। नौजवानों को सूबाई और जिले सतह पर जल्द मुतहरक किया जाए।